हाय, दिस इज रवि पटेल और इस वीडियो में मैं आपको ऑनर 90 के बारे में दिखाने वाला हूँ और ऑनर 90 के बारे में बताने वाला हूँ। तो बने रहेगा पूरे एंड तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो में हम ऑनर 90 के क्या क्या खूबियाँ है और क्या क्या खामियाँ है जो भी अभी तक मैंने फेस की है। पहली खामी जो मुझे लगी है वो है इसकी वीडियो कॉलिंग की। तो इसमें कुछ ऐसा भी पता नहीं क्यों ऑनर ने ऐसा किया है। ऑनर इंडिया को मेरी विनती है कि ये जल्द से जल्द इसका अपडेट दे दीजिएगा और ऑनर ग्लोबल से भी मेरी विनती है कि ये सुना जाए, क्योंकि वीडियो कॉल आज के ज़माने में फर्स्ट इजी होना चाहिए, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। आपके कांटेक्ट पे आप जाओगे, मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अगर आपको यहाँ से वीडियो कॉल करने की ऑप्शन नहीं है मगर सामने से कोई कर रहा है आपको वीडियो कॉल, वो नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। और बहुत ही अच्छे बात इसकी ये है कि इसका जो ये कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है और इसका फ्रंट फेसिंग कैमरे से मैं भी मल्टीमीडिया वाला कैमरे से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा इसका कैमरा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। और अभी मैं इसको नॉइस रिडक्शन मोड में ऑन किया हूँ और इसके पहले जो था वो ऑटोमेटिक था, और तो कुछ है नहीं। हम इसकी डिटेल में वीडियो रिव्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, उसमें हम सब कुछ उसके फीचर्स कौन कौन से फीचर्स इसमें अभी है नहीं, जिसकी बहुत ही ज़रूरत है। इसके कैमरे में भी बहुत सारे फीचर्स की कमियां है। कैमरा नो डाउट हार्डवेयर और सब कुछ अच्छा है मगर उसका जो फीचर्स है फ्रंट फेसिंग में जो HDR है वो नहीं है, HDR फोटो का ऑप्शन नहीं है। इससे कम बजट में आने वाले, कम स्पेक्स में आने वाले फ़ोन में ये HDR फोटो का अदर ब्रांड्स के साथ में हो है, मतलब MI में है और बहुत सारी कंपनियां में भी है, तो इसमें नहीं है, तो ये ऐसा कुछ है। और दूसरी हम बात करें तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो OIS नहीं है, EIS है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन से, मगर काफ़ी हद तक वो अच्छा है, काम किया है, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें जो ऊपर से हम नोटिफिकेशन पैनल का है वो थोड़ा इश्यू वाला है, एक साइड से करेंगे तो ही वो आएगा नीचे, वरना नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। स्किन पे, पूरी स्किन पे कहीं पे भी आप ऐसे कर दो तो वो नीचे आना आ जाना चाहिए, तो काफ़ी यूजफुल और यूज टू होना लगे, इजी रहता है। मतलब ऐसा ऐसा बग्स है इसके UI में, तो ये ऑनर वालों को ठीक करना चाहिए मेरे हिसाब से, और जो वो अपडेट में वो ठीक हो सकते हैं। दूसरी बात करें तो हम इस फोन के अंदर जो टाइम लैप्स का फीचर्स उन्होंने दिया है तो उसमें हम सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कितने फ्रेम कितने सेकंड से हम टाइम लैप्स बनाना चाहते हैं वो डायरेक्टली दे दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 फ्रेम के बीच में कितना टाइम हमको रखना है वो सब सेटिंग सभी फ़ोन में आजकल आता है, MI के फ़ोन में आता ही है, तो इस फ़ोन में क्यों नहीं भाई, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा कह सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इसमें फ़ोटो सिर्फ 4 फोटो का जो रेशियो है वो 4:3 मतलब 4:3 का ही है और डायरेक्ट एक फुल स्क्रीन है, 16:9 का रेशियो फोटो में नहीं, तो ये भी होना चाहिए मेरे हिसाब से।
ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स की कमियां हैं, हम पूरा लिस्ट बनाएंगे और अलग से इसका वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या कमियां है ऑनर 90 के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए रवि पटेल द फोटोग्राफर ब्लॉग और हमारा गुजराती टेक चैनल है टेक डायरो यूट्यूब चैनल, उसमें भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरा पर्सनल चैनल है रवि पटेल द फोटोग्राफर ब्लॉग, तो ये दोनों चैनल्स सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट बनाता रहूँ और मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।